प्रदेश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 TVS Apache RTR 160 सिंगल चैनल ABS का। और वीडियो का बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबाइए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोग रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं TVS Apache RTR 160 सिंगल चैनल ABS का। अब दोस्तों, इसमें आपको ABS का ऑप्शन मिल जाता है, और सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, डुअल चैनल ABS आपको इसमें नहीं मिलता है। और पहले के मुकाबले इसमें चार नए बदलाव कर दिए गए हैं। पहला जो सबसे बड़ा कॉस्मेटिक चेंज है वो सिंगल चैनल ABS का ही है। और दोस्तों, इसका जो ABS है वो एक प्लास्टिक के केस में कवर्ड है, जिसके कारण ABS की रिंग दिखती तो नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि ये ABS वाला वेरिएंट है। और दोस्तों, दूसरा इसका जो ग्राफिक्स है उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। जो ग्राफिक्स आपको अभी की अपाचे 180 में मिल रहा है, उसी से मिलता जुलता ग्राफिक्स इसमें ट्रांसफ़र किया गया है। तीसरा चेंज इसका मीटर कंसोल में किया गया है। एक तो इसमें आपको ABS की इंडिकेटर मिलता है, और पहले आपको इसके डिजिटल मीटर में ब्लू कलर का बैकलाइट मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें व्हाइट कलर का बैकलाइट मिलता है। और चौथा, अब आपको इसमें ब्लैक कलर का 3D हॉर्स का बैजिंग मिलता है, जो बाइक को एक डस्की फिनिशिंग टच देता है। ओल्ड मॉडल में आपको स्पीकर फॉर्म में मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें 3D एनवेलप में मिलता है। दोस्तों, प्राइस के बारे में बात किया जाए तो ये बाइक दो वेरिएंट में आती है, एक डुअल डिस्क वाला वेरिएंट और एक सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट। उन दोनों में 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क है। और दोस्तों, जो ABS वाले मॉडल की प्राइस है वो पहले के मुकाबले 6 से 7 हज़ार रुपये बढ़ चुकी है, मतलब 7 हज़ार रुपये और भी महंगी हो चुकी है, जो कि एक परफेक्ट प्राइस है। और दोस्तों, अपाचे RTR 160 अभी तक की सबसे सस्ती सिंगल चैनल ABS वाली बाइक है, और बाकी जो उसके स्पेसिफिकेशंस है वो सारे अनचेंज्ड रखे गए हैं। दोस्तों, फ्रंट से देखा जाए तो फ्रंट लुक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आपको सेम हेलोजन बल्ब मिलता है, और कॉर्नर्स पर आपको अपाची की LED DRS मिलती है, जो बाइक को एक मॉन्स्टर आई टाइप का लुक देती है। दोस्तों, इसमें मेरे को इंडिकेटर्स में एक डाउनसाइड लगा है। इसमें आपको अभी तक फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन इसमें आपको फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं। और इंडिकेटर्स आपको इसमें बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, और इसमें आपको ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिलता है एयर को पास करने के लिए और एक कंफर्टेबल राइड करने के लिए। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, इंजन आपको सेम रखा गया है। इसमें आपको सेम 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 15.12 PS at 8500 RPM का पावर और 13.03 न्यूटन मीटर at 6500 RPM का टॉर्क मिलता है। और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 5 मिलते हैं, और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, रीडिज़ाइन किया गया है। जो सेम अपाचे 180 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल था उसी को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया है, और आपको यहाँ ABS का इंडिकेटर भी ब्लिंक करते हुआ मिलता है। डिजिटल मीटर में आपको आपका स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, आपका क्लॉक और फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर भी आपको इसमें मिलता है, आपका सर्विस रिमाइंडर, बैटरी इंडिकेटर, ये आपको सारा सब कुछ इसमें मिल जाता है। और दोस्तों, बाइक के कुछ कुछ जगहों पर आपको फेक कार्बन फाइबर का फिनिशिंग टच मिलता है, जो बाइक को एक डस्की फिनिशिंग देता है। और दोस्तों, इसके पैनल्स पर भी, मतलब इसके साइड पैनल्स पर भी आपको फेक कार्बन फाइबर का फिनिशिंग टच मिलता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, पास स्विच, जो सारे बेसिक स्विच आपको इसमें मिलते हैं, और आपको इसमें आपका इंजन किल स्विच भी मिल जाता है। दोस्तों, फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक विथ हाइड्रोलिक डंपर सस्पेंशन मिलता है, 90x90 का टायर साइज मिलता है, और उसमें आपको MRF का टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है 17 इंचेस के व्हील के साथ, और 270 mm के इसमें आपको डिस्क मिलता है, और इसमें आपको ABS भी मिलता है। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विथ स्प्रिंग एड सस्पेंशन मिलता है, 110x80 का टायर साइज मिलता है, और इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है MRF का, और 17 इंचेस का आपको इसमें व्हील साइज मिलता है, और इसमें आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों, सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और लंबी सीट मिलती है। जो सीट की बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, और उसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिससे अगर आप 2 या 3 लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू TVS Apache RTR 160 सिंगल चैनल ABS से, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक्स।